व्हाट इज एटीट्यूड, अभिवृत्ति क्या है, ठीक है, अभिवृत्ति क्या क्या है। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति शब्द का व्यवहार हम प्राय अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं, है ना। अतः इस हम लोग अक्सर क्या है, एक कॉमन अपने जो एवरीडे लाइफ मिलना कहते हैं ना, उसका मनोवृत्ति चाहूंगी का। दीदी से, दीदी आज घर ही पर है। आज सुप्रिया का बर्थडे विश किया मैम, हाँ हम लोग मैम गा ने सबसे सब लोगों ने विश कर दिया। अभी लास्ट में फिर हम लोग बात सुप्रिया करेंगे, अभी थोड़ा पढ़ाई की कर ले, लास्ट में क्लास खत्म हुआ तो से, कर लेंगे, ठीक है। यस मैम, अतः इस सब से हम यस सभी परिचित हैं, मैम, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनोवृत्ति शब्द काफी जटिल तथा विवादग्रस्त है। यूजुअली हम लोग कॉमन एवरीडे लाइफ में मनोवृत्ति, उसकी मनोवृत्ति बड़ा हमारे पति खराब, ऐसे कॉमन वे में हम लोग बोल देते हैं, है ना। लेकिन कह रहे हैं यस कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एटीट्यूड है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही जटिल है ना। इसकी मैम, एक भी वैज्ञानिक परिभाषा उपलब्ध नहीं है, एक भी इसका साइंटिफिक परिभाषा है विज्ञान वो उपलब्ध नहीं है, जिस पर सभी मनोवैज्ञानिक तथा समाज वैज्ञानिक सहमत हो। मतलब तो कोई भी ऐसा परिभाषा नहीं है एटीट्यूड पे जिसपे आपके सोशियोलॉजिस्ट, कोई भी सोशियोलॉजिस्ट एक मत रखते हैं कि हाँ ये परिभाषा ठीक है। कुछ को लगता है ये होना चाहिए, कुछ को लगता है ये होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप लोग को? यस यस मैम, मैम। डिफिनेशन है बट डिफरेंट डिफरेंट है ना मैम, सबका अलग अलग है। हाँ, डेफिनेशन तो दे गई बेटा, मतलब कोई भी यस सर, डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, कहने का मतलब है यस, ना, और क्योंकि किसी का सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, कोई सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है। हाँ, यस मैम, मतलब किसी में कुछ चीज को तो दर्शाया गया लेकिन उसका कोई और आस्पेक्ट को नहीं दिखाया गया, तो उसमें कहीं ना इसीलिए किसी कहीं का भी अभी तक ऐसा नहीं आ पाया है। हाँ एक यस संपूर्ण जो कहते हैं, एक कंप्लीट डेफिनेशंस अभी तक ऐसा नहीं है जिसपे सारे सोशियोलॉजिस्ट है ना, समाज वैज्ञानिक सहमत रहे, ठीक है। इस यस मैम, असहमति का कारण उनका अपना अपना सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। ये असहमति इसलिए कि सबका अपना थ्योरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, सबका अपना सिद्धांत है। यस अब मनोवृत्ति के बारे में हो सकता है, मान लो सपोज करो कि आज हम लोग निधि को ले ले, तो निधि के बारे में सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा। तो अगर सुप्रिया कहती यस है कि निधि अच्छी है, तो हो सकता है कि आदिवा कहे निधि नहीं अच्छी है, तो कमर कहे कि हाँ थोड़ी बहुत अच्छी है, तो उधर से आएगी और तुम्हारे रागनी बोलेगी कि नहीं नहीं वो तो बहुत बहुत अच्छी है ना। तो सबका अपना अपना, तो कहने की कोई एक सहमति नहीं बन पाएगा, कोई अच्छा कह रहा है, कोई खराब, कोई कह रहा है बहुत अच्छा, कोई बहुत खराब, है ना। तो वही चीज कहना चाह रहा है क्योंकि कि सब अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, वो कॉमन चीजों पे नहीं देख रहे हैं। हाँ सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अधिकांश यस समाज मनोवैज्ञानिकों ने मनोवृत्ति के मूल्यांकन पक्ष है ना को ध्यान में रखकर इसे परिभाषित करने का प्रयास किया, है ना। गार्गिन मैम, ने मूल्यांकन पक्ष को ध्यान में रखते हुए मनोवृत्ति की परिभाषा दी है कि विशिष्ट वस्तुओं, है ना, क्या देखो गार्गिन क्या परिभाषा दी है ना, विशिष्ट वस्तुओं के प्रति विशेष रूपों में व्यवहार करने की प्रवृत्ति को मनोवृत्ति कहते हैं, ठीक है। उनका कहना है, जो गार्गिन ने दिया वो परिभाषा क्या दिया, विशिष्ट वस्तुओं है ना, कोई खास वस्तु के प्रति विशेष रूप में व्यवहार करने की प्रवृत्ति को मनोवृत्ति कहते हैं। अब इसको ऐसे भी समझ सकती हो कि आपके यहाँ बहुत सारे गेस्ट आते हैं, कुछ स्पेशल गेस्ट को आप ज्यादा उनको ऑनर करते हो, ज्यादा उनके आवभगत करते हो, यस है ना। तो ये जो ज्यादा आवभगत है एक खास आदमी के लिए, ये आपका व्यवहार हो गया, और इससे आपकी मनोवृत्ति पता चल रही है कि उस व्यक्ति के प्रति आपका मनोवृत्ति काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छा है, ठीक है। क्लियर हुआ? यस हाँ। इसी तरह क्रिस्टन एवं आयजन है ना, आजिन किसी वस्तु के प्रति संगत रूप से अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया करने की अर्जित पूर्व प्रवृत्ति को मनोवृत्ति कहते हैं। अब क्या बोल रहा है आजिन जो है या फिजबेन है, इनका कहना है कि
किसी वस्तु के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति संगत रूप से, किसी भी वस्तु के प्रति हम नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं या पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, और हम उसी ढंग से उसके साथ उसको रिस्पॉन्स देते हैं। तो इसी पहले की जो प्रवृत्ति बनी हुई है, पूर्व प्रवृत्ति जो बनी हुई है किसी वस्तु के प्रति, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, इसी एटीट्यूड को हम मनोवृत्ति कहते हैं। लेकिन अब देखो कि ये लोग तो क्योंकि इन इन सारे परिभाषाओं में कुछ ना कुछ कमी रह गई, तो उसपे सब लोग अपना अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। वैसे ही सब देखते चले जाओ कि क्या सब दिए हैं, फिर बाद में हम एटीट्यूड के बारे में सभी परिभाषाओं को मिला के एक बताएंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में एटीट्यूड क्या है। कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों ने मनोवृत्ति के भाव पक्ष को ध्यान में रखते हुए इसे परिभाषित करने का प्रयास किया, है ना। एडवर्स के अनुसार किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबद्ध सकारात्मक या नकारात्मक भाव की मात्रा को मनोवृत्ति कहते हैं। अब ये जो एडवर्ड्स हैं, उनका जो परिभाषा है वो भाव पे, है ना, भाव संवेग आपका जो इमोशंस है उसके आधार पे उन्होंने परिभाषित किया। आपका भाव किसी के प्रति अगर नकारात्मक है या सकारात्मक है तो उसी भाव का मात्रा को हम मनोवृत्ति कहते हैं। अगर आपका भाव कहते हैं ना ईश्वर के प्रति भाव, है ना, जिसका ईश्वर के प्रति भाव सकारात्मक है उसको हम क्या बोलते हैं, आस्तिक। जिसका ईश्वर के प्रति नकारात्मक भाव है उसको हम लोग नास्तिक। तो यही सकारात्मक और नकारात्मक भाव जो है वो व्यक्ति की मनोवृत्ति को बताता है, मात्रा, है ना। इसी तरह आपका सीयर्स वगैरह बहुत है। अब हम लोग मेन यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन उपयुक्त परिभाषा सब लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है ना बेटा, आप लोग को, आप लोग स्क्रीन पे साफ से देख रहे हो ना, ठीक है। लेकिन उपयुक्त परिभाषा, हाँ ठीक है, लेकिन उपयुक्त परिभाषाओं में कोई भी परिभाषा मनोवृत्ति या विवृत्ति की समुचित व्याख्या करने में सफल नहीं है। जितनी परिभाषाएं अभी हमने पढ़ा आपको या दिखाया आपको, कह रहे उन परिभाषाओं में कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं है जो एक सफल व्याख्या कर सके मनोवृत्ति के बारे में, ठीक है। जैसे लिंजे और एशन के अनुसार अल्पोट के द्वारा दी गई परिभाषा अधिक समग्र, जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं उसमें जो सबसे अधिक बढ़िया परिभाषा है वो आपका अल्पोट का है, ठीक है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे एल्पोट के द्वारा दी गई परिभाषा अधिक समग्र तथा संतोषजनक, ठीक है। उनके अनुसार मनोवृत्ति प्रतिक्रिया करने की तत्परता की वो मानसिक एवं स्नायु स्थिति है जो अनुभव के कारण संगठित होती है और जिसका दिशा सूचक तथा सक्रिय प्रभाव व्यवहार पर पड़ता है, सक्रिय प्रभाव, है ना। अब यहाँ पे देखो इसका इंग्लिश में भी एल्पोट का देखो, ये हमेशा तुम लोग डेफिनेशन हमेशा जो सबसे संतोषजनक हो उसी डेफिनेशन पे तुम लोग ध्यान देना और उसी को याद भी करना। यहाँ पे एल्पोट का इंग्लिश वही देख लेते हैं, इसी को नोट करना आप लोग। जी डब्ल्यू एल्पोट का है कि एटीट्यूड इज ए मेंटल एंड न्यूरल स्टेट ऑफ रेडीनेस ऑर्गेनाइज थ्रू एक्सपीरियंस एक्सर्टिंग आर डायरेक्टिव और डायनेमिक इन्फ्लुएंस अपॉन द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स टू ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशन विच इट इज रिलेटेड, ठीक है। हम पीडीएफ में तो डाल देंगे आप लोगों को, अगर यस मैम अच्छा रहेगा, पीडीएफ डाल देंगे इस पर। अब देखो ये जो एल्पोट ने परिभाषा दी उसका अब हम लोग विश्लेषण करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एल्पोट की परिभाषा को एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे।